नमस्कार, मैं मोहम्मद आसिफ और आप देख रहे हैं एसपीएन 9 न्यूज। एसपीएन 9 न्यूज में एक ऐसी खबर दिखाने वाला हूं दर्शकों, जो आपको देखकर होश उड़ जाएंगे। आप इस खबर को देखकर आप हैरान हो जाएंगे, इस सच्चाई को देखकर आपके होश उड़ जाएंगे कि वाकई में ऐसा भी होता है। अब दर्शकों को मैं बताने वाला हूं कि कांग्रेस में जो इस वक्त भूचाल मचा हुआ है, इसके पीछे की वजह क्या, कांग्रेस में जो गहलोत ने खेला किया, इसके पीछे की सच्चाई क्या, कांग्रेस में जो इस वक्त पायलट और राजस्थान में गहलोत को लेकर जो एक नई सी सियासी मची है, हाई वोल्टेज ड्रामा, उसके पीछे का जड़ क्या, ये इस सवालों का जवाब मैं दूं। लेकिन इससे पहले बता दूं कि एक पद एक नेता को लेकर शशि थरूर साहब ने इस्तीफा दे दिया है। मल्लिकार्जुन के अध्यक्ष बनने की चांसेस ज्यादा है, अब नतीजे आने के बाद ही पता चलेंगे। लेकिन अब सवाल है कि गहलोत ने कांग्रेस अध्यक्ष चुनाव का राज खोल दिया, क्या खोल दिया वो, ये हम आप दर्शकों को बताते हैं। दरअसल गहलोत रातों रात पलट गए। गहलोत सोनिया गांधी से मुलाकात किए, उनसे बातचीत करने के दौरान उन्होंने बता दिया कि भाई हम क्या हैं, आप क्या सोच रहे थे, क्या समझ रहे थे, वो हम नहीं है। आई एम नॉट दैट, वो हम नहीं है जो आप सोच रही हैं। इसीलिए अब यहां पर आग खुल गया राहुल गांधी का, यहां पर सोनिया गांधी के भी आंखें खुल गई और उनको समझ में आ गया कि जो मेरा सबसे ज्यादा वफादार था वो सबसे खतरनाक निकला। और इसीलिए ये राज खुल गया राजस्थान चुनाव का, ये राज खुल गया कांग्रेस के गांधी परिवार के सबसे बड़े करीबियों का कि वो कितने खतरनाक और डेंजरस है। क्योंकि अचानक रातों रात विधायकों का इस्तीफा होना, सीपी जोशी का नाम आना, धारीवाल साहब का नाम आना, अपने आप में चिंता का विषय बनता है। यही वजह है कि आज अशोक गहलोत जो है पूरा कच्चा चिट्ठा उन्होंने खोल दिया और कांग्रेस अध्यक्ष पद का राज ही खोल दिया कि दरअसल राज वो ये है कि गांधी परिवार के सदस्य होना भी नहीं चाहते हैं, लेकिन पूरा जो हथियार है, पूरा जो रिमोट कंट्रोल है, वो अपने पास ही रखना चाहते हैं। और इसीलिए ये तमाम तमाशा हमारा आपको देखने को मिला। अब ये देखना होगा कि वाकई में अगला अध्यक्ष होता कौन है, शशि थरूर या मल्लिकार्जुन खड़गे। लेकिन सबसे अहम सवाल कि अशोक गहलोत ने जो खेला किया है, इससे कांग्रेस पर क्या फर्क पड़ेगा। अशोक गहलोत ने जो राजनीति बनाई है, जो सियासत नई पैदा कर दी है, जो मुसीबत पैदा कर दी है, इस मसले का हल क्या होगा, ये सबसे अहम सवाल है। देखना होगा कि आने वाले वक्त में होता क्या है, देखना होगा कि आखिर जो राज खुला है अध्यक्ष पद को लेकर, जो इतने सालों से पैंच फंसा हुआ था, उसका राज खोल दिया अशोक गहलोत ने, इस पर अब सोनिया गांधी का क्या कार्रवाई होगी। हम सब ने देखा कि हालांकि वो आए, माफी मांगे, उसके बाद चले गए, कह दिया उन्होंने कि भाई हम अध्यक्ष पद का चुनाव नहीं लड़ेंगे, लेकिन सोनिया गांधी चुप है, राहुल गांधी चुप है। इसका मतलब कि आने वाले वक्त में कुछ बड़ा भूचाल मचने वाला है, कुछ बड़ा होने वाला है जो हम सबको बेचैन करेगा। आज के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहे स्पेन आई न्यूज। नमस्कार।